हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक न्यू व्लॉग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं टेनी की ड्रेस। ये ड्रेस टेनी के बर्थडे के लिए आई थी डे में पहनने के लिए, बट टेनी डे में नहीं पहनी थी क्योंकि उस टाइम पे गर्मी थी और उसको ये नहीं पहनना था, तो आप लोग ठीक से नहीं देख पाए थे। बट अगर आप इसी जैसा सिमिलर या इसी जैसे बच्चों का कुछ ड्रेसेस बाय करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरा लिंक करके है, एंड आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है। अदर वेबसाइट के अकॉर्डिंग रीज़नेबल प्राइस में आपको जो है प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे कई सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे व्हाट्सअप फैसिलिटी है, 5 डेज़ टू इजी रिटर्न है, एक्सचेंज ऑफर है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो जस्ट चेक इट आउट। तो यहाँ पे मैंने जो है आवाज़ म्यूट कर दी है और हम माँ बेटी कर रहे हैं मस्ती। एक्चुअल में नवरात्रि का दिन है और नवरात्रि वाले दिन हम दोनों रेडी हो गए हैं। टैनिंग कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हम दोनों आप लोगों को फुल मस्ती मोड में दिख रहे हैं। बट यहाँ पे बाहर में, जैसे मैंने बताया अपने दूसरे चैनल पर कि यहाँ पर पंडाल लगा हुआ था, तो म्यूज़िक का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने जो है म्यूज़िक ऑफ कर दिया है। और ये देख सकते हैं आप बाहर जो गाने बज रहे हैं उस पर टैनिंग का डांस। एंड टैनिक कोशिश कर रही है बड़ों जैसे कमर चलाने की, बट उससे नहीं हो पाता है। देखो ट्राई करती है वो पूरा, बट हो नहीं पाता है, देख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, बस ऐसा लग रहा था मुझे उस दिन के इस मेरे को इस मतलब इसको मेरी नज़र ना लग जाए। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि टैनिक कैसी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। बाकी का इसी का आगे का व्लॉग जो है मैंने दूसरे चैनल पर शेयर किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ टैनी के हेयर। तो हेयर काफ़ी ज़्यादा उसके जो हैं बड़े और अच्छे हो गए हैं जब से मैंने उसकी कटिंग करी है, तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है टैनी अच्छी लगने लगी है। तो यहाँ पे हो चुकी है शाम, और शाम के टाइम पे यहाँ पे जो है टैनी ने अपना ड्रेस तो चेंज करा ही लिया है, तो सिंपल यहाँ पे चेक कर रही है झेंझी और टेसू। जो ये सारी चीज़ें हम बचपन में जो है बहुत ज़्यादा खेलते थे अभी के अकॉर्डिंग, बट ये टैनी के लिए फर्स्ट टाइम पर। टैनी जब मैंने टैनी को बोला ये झेंझी है, तो टैनी कहती है बहन जी, मैंने कहा झेंझी, ठीक है। टेसू को तो टिशू बोल रही थी, तो उसको नहीं समझ आ रहा था कैसे क्या बोलना है, तो सब सिंपल यहाँ पे जला रही है। और जैसे कि क्या होता है यहाँ पे क्या हम बचपन से देख रहे हैं कि लोग जला के और मतलब बड़ों से अपनों से लेने के लिए बोलते हैं पैसे दो या ये सारी चीज़ें दो, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, हम घर में जला के रख लेते हैं। टैनी के लिए फ़र्स्ट टाइम था यहाँ पे हूँ इसलिए, लेकिन वहाँ पे शायद ही कोलकाता में जो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो कोलकाता में तो पॉसिबल नहीं था, बट मैंने कहा चलो यहाँ हैं तो कर लेते हैं। वो भी देख ही लेगी यहाँ पे क्या क्या फेस्टिवल और क्या क्या चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। तो यहाँ जो टेसू है ना वो छोटा है, उसमें स्पेस नहीं है कि हम दीपक रख सकें, तो टैनी ने सॉरी इसको ना हमने आगे ही रख दिया है, यहीं पर इसको यहीं आगे रख दिया टेसू को, और दीपक जला दिया। अब टैनी क्या सोच रही थी कि ये भगवान है, तो वो चुपचाप ना भगवान बोल रही है, भगवान जी हाँ जोड़ रही थी, पैसे चढ़ा रही थी, क्योंकि इस पर नकली जो है वो 200 रुपये का एक नोट भी लगा हुआ है, तो वो इनको भगवान बहन भी तो छोटा बेबी रहेगा ना। हाँ तो आप बहन हो ना पहले से, तो आपको भाई क्यों चाहिए? ये टेसू जो रखे हुए हैं वहाँ पे देख सकते हैं, टेसू झेंझी होती है, तो ये टेसू को भगवान जी समझ रही है और उनको चुपचाप जाके बोल के आई, और फिर मुझे बोल रही है मैं उनसे बोल के आई हूँ भगवान जी से कि ये जो मेरे को भाई दे दो। पर बेबी एक बात बताओ, छोटा भाई नहीं बहन आया तो हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, भाई नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोटी बेबी तो आ ही जाएगी ना। नहीं छोटी बेबी तो मैं हूँ। पर बाबू छोटी बेबी आएगी वो बहन, छोटी सी बहन होगी। हाँ मैं भी तो छोटी बहन हूँ। तो भाई नहीं मांगो? भाई मांगूंगी, मैं छोटी बहन हूँगी। अच्छा आप बहन रहोगी और आपको भाई चाहिए, बहन नहीं चाहिए? अच्छा आप बहन बनोगी। आप तो बहन की भी बहन, छोटी बेबी की भी बहन बनोगी अगर छोटी तो छोटी बेबी हूँ। हाँ आप छोटी बेबी हो,
बट अगर बेबी भाई नहीं आया, छोटी बहन भी तो आ सकती है ना, आप उसको भी ऐसे प्यार करना। नहीं, मैं लड़का को प्यार करती हूँ। मुझे भाई को प्यार करना है। सानू दादा है तो भाई, बेबी भाई, बेबी भाई। हाँ। अच्छा वो दादा भाई है। अच्छा वो दादा भाई है, अब बेबी भाई चाहिए। पर बेबी भगवान जी तो, वो तो मत पता नहीं है ना भगवान जी क्या देंगे, नहीं पता ना, तो फिर अब भगवान जी जो देंगे वही हम कर लेंगे। अरे लाडो, कोई बात नहीं लाडो, भाई बहन कुछ भी दे, छोटा तो रहेगा ना, आप तो बड़ी बहन बनोगी ना। मैं तो छोटी बहन बनूंगी। गुन्ना इधर आ यार, बच्चे कितने मासूम होते हैं सच में, इसको कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम इसने ये झिंझी टेसू देखे हैं और इसको लग रहा है भगवान है वो। गाने चला दिए इन लोगों ने, आवाज आई है बहुत तेज, बाद में बात करती हूँ। तो अगेन मैंने यहाँ पे जो है म्यूजिक जो है ऑफ कर दिया है, टैनी यहाँ पे कर रही है डांस और बाहर गाने चल रहे थे। देखिए पता नहीं चलता कौन से गाने का कॉपीराइट कब आ जाए, तो इसलिए, और टैनी का मतलब टैनी अजीब से रिएक्ट करती है चीज़ें, और अब उसको बहन भाई ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे है, बट उसके खुद कभी कभी ऐसा कहते हैं ना भगवान शायद बच्चों में बसते हैं, तो बच्चे खुद ही अपने आप से चीज़ें करने लगते हैं, तो वही है। मैंने तो उसको शुरू से ही बोला है कि जो भी आएगा छोटा भाई या बहन, आपको उसके साथ चीज़ें शेयर करनी है, उसको ये करना है। मैंने उसको नहीं बोला कभी भी कि बहन आएगी या सिर्फ भाई आएगा उसको, उसको सिर्फ बट वो शुरू से बस यही बोलती है कि मुझे भाई चाहिए, सानू दादा जैसा, सानू दादा हो जाएगा, ये छोटा भाई हो जाएगा। और मैंने इसको ये भी बोला कि पापा की परी भी तो आ सकती है, तो बोलती नहीं पापा की परी मैं ही हूँ सिर्फ। सो मे बी आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।